है दोस्तों, टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग को एक खुशखबरी बता रहे थे। तो ये देखिए, हमारा लैपटॉप फाइनली जो वो आ चुका है, एसर का प्रेडेटर। और ये मैंने सुबह में एक वीडियो डाला था, आप लोगों को बताया था कि ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये क्या हो गया था, मैं आपको समझा देता हूं अभी। और ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। मैंने अभी फ्लिपकार्ट के मैनेजर से भी बात की थी, तो अब मुझे ये सब कुछ पता चला। मेरे तो पहला एक्सपीरियंस था ये, यहाँ पे मुंबई में जो हब में ये आके पहले से पड़ा हुआ था। और ये लोग ने क्या किया था कि मुझे 9:12 का यहाँ पे डिलीवरी बता दिया था। आउट फॉर डिलीवरी के अलावा भी उन्होंने बोल दिया था कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पे आपको जो वो दे दिया है, जबकि मुझे ये आया है अभी आधे घंटे पहले, लगभग से 5 बजे के आसपास मुझे ये मिला है। तो मतलब 8 से 9 घंटा उन्होंने मुझे ये लेट दिया है। वहाँ पे सिस्टम उन्होंने इसलिए डाला था ताकि उनको, कंपनी को लगे कि इन्होंने यहाँ पे हमें सक्सेसफुली पहुँचा दिया वक्त से, ताकि कंपनी में बुरा फीडबैक इनका नहीं जाए। और हमें आया है कितना, 5-6 घंटा लेट। और मैंने इसको एकदम से हल्ला बोल दिया था, कंपनी कहाँ तक मैं पहुँच गया, जब जाके उन्होंने कहा कि ठीक है हम अब कुछ ना कुछ करते हैं, वहाँ तक बात गई। फटाफट से वो लड़का आया भाग भाग के और ये लैपटॉप लाके मुझे दे सर आपका लैपटॉप, आपके लैपटॉप। तो मैंने तो उसको काफ़ी बातें सुनाया था, कंप्लेंट किया उन लोगों की कि ये हब में ऐसे ऐसे हरकतें होती है, और आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, डिलीवरी आपको दिखा देते कि हो गया आपको मिला नहीं, तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, शायद से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर आपको पुलिस में या कहीं पे भी फ्लिपकार्ट से कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट से, दुआओं से मुझे ये लैपटॉप मिल गया। ये बीस्ट है जिसका मैं अनबॉक्सिंग कुछ दिनों में, तो फटाफट से यहाँ पे आज की टेक्निक जो वो शुरू करते हैं। पहली खबर की बात करते हो, आप लोगों को यहाँ पे बता रहे थे कि जैसे कि मैंने आप लोगों को आज बताया कि नोकिया का X6 जो वो चाइना के अंदर लॉन्च हो गया था, और यहाँ पे ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में बहुत जल्दी ही आने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे HMD ने कंफर्म कर दिया है कि नोकिया का जो X6 है ये सिर्फ चाइना के लिए अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली, लेकिन यहाँ पे वो 2 ग्लोबल वेरियंट अलग से जो वो लॉन्च करेंगे, जिसमें हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा, और वो होगा नोकिया का X5 और नोकिया का X7। अब ये दोनों स्मार्टफोन के अंदर कौन से फीचर्स होंगे, क्या स्पेसिफिकेशन होगी, क्या प्राइसिंग होगी, अभी उन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन X6 बताया कि फिलहाल के लिए हम इसको सिर्फ चाइना के लिए रख रहे हैं, और इंडिया में या ग्लोबली इसको लॉन्च करने की अभी कोई प्लानिंग नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये एक ही ऐसा फोन था नोकिया का जो बजट में था और काफी अच्छा था, और ये जा रहा है चाइना के लिए। अब हमें नहीं पता ये क्या है, सच है झूठ है, लेकिन हाँ X5 और X7 तो हमें देखने को मिलेगा, और इसमें क्या होगा ये तो कुछ दिनों में ही हमें शायद से पता चलेगा। और साथ में ये बताया जा रहा है कि नोकिया इंडिया के अंदर लगभग से 500 ऐसे डिजिटल विलेजेस को बनाएगा, अपग्रेड करेगा, जिसके अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो भी विलेजेस में लोग रहते हैं, अब यहाँ पे इनको अच्छे तरीके से कनेक्टेड किया जाएगा, जहां पे 4 अलग अलग चीजें होगी, लाइवलीहुड है, और यहां पे एजुकेशन है, हॉलिस्टिक है, वगैरह वगैरह की चीजों के अंदर। साथ में यहां पे बताया जा रहा है कि जो 20% यहां पे आज भी वर्ल्ड के अंदर बताया जा रहा है कि डेवलप कंट्रीज के अंदर लोगों के पास अभी कनेक्शन बराबर नहीं है, और यहां पे डेवलपिंग कंट्रीज से उसके अंदर 66% लोगों के पास में प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, जिसमें से टोटल जो लोग हो जाते हैं वो 4 बिलियन है, उसमें से कुछ बिलियन लोग तो इंडिया में ही है। ये चीजें मद्देनजर रखते हैं नोकिया ने यहां पे पार्टनरशिप करी है तमिलनाडु और हरियाणा वगैरह की कुछ जगहों पे, और वहां से शुरुआत करेगी। और इंडिया के अंदर हमें बहुत जगहों पे विलेजेस में कुछ अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे, कनेक्टेड लोग रहेंगे, थोड़ा वहां पे भी लोग अच्छे खासे अपग्रेड हो जाएंगे, और डिजिटल कुछ तरीके के विलेजेस बनाने की प्लानिंग हो रही है। देख लेते हैं यहाँ पे नोकिया कितना जल्दी, हालांकि 5 साल का तो टाइम दिया है, होता है तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे HTC ने अपना एक नया स्मार्टफोन जो वो अनाउंस कर दिया है, और ये जो है ये दूसरा स्मार्टफोन पूरे वर्ल्ड का बन जाता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। और इसके पहले एक और कंपनी थी स्विट्जरलैंड की, जिसने अपना भी एक स्मार्टफोन लाया था जो कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, जो एक दो दिन में आपको मिल जाएगा, वीडियो शूट होकर रेडी हो चुकी है। लेकिन आपको बता रहे तो कि ये जो फोन, इसके अंदर आप लोगों को खुद बिटकॉइंस और एथेरियम का जो वो सपोर्ट मिलेगा, डिजिटल वॉलेट्स मिलेगा, और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि यहां पे जो भी एप्लीकेशंस आप इस फोन में यूज करेंगे, इसमें कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी, किसी के भी ऊपर आपके जो कोई ऊपर आपके सर पे बैठा नहीं रहेगा, आपको टोटल कंट्रोल मिलेगा, और सिक्योरिटी वगैरह की भी चीजें आप खुद यहां पे जो वो कर सकते हैं, यानी कि इंटरमीडिएटरी और बीच का कोई आदमी आपके सामने यहां पे नहीं होगा। तो ये कुछ होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, और ऐसे फोन्स यहां पे आ रहे हैं, और ये HTC का एक्सोडस आया। प्राइस यहां पे स्पेसिफिकेशन सामने नहीं है, लेकिन HTC इस तरीके का फोन हमें बहुत जल्दी जो वो लाके शायद से दे देगा। और यहां पे आप लोगों को एक और अपडेट दे देता हूं कि OnePlus 6 यहां पे आज जो वो लंदन में लॉन्च होने वाला है, या हो गया होगा अभी तक तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपको जो टेक न्यूज़ दे रहा हूं काफी जल्दी दे रहा हूं, और अभी यहां पे और 3-4 घंटा दिखा रहा है लाइव इवेंट के लिए, तो मैं इतना टाइम वेट नहीं कर सकता हूं। शायद से कल आपको मैं सुबह में इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, या फिर तो इवेंट होगा तो मैं वहां पे जाके हैंडसॉन दे दूं, वही सबसे बेटर होगा। तो इसके लिए अगर OnePlus 6 की खबर नहीं आई है तो उसके लिए मुझे वो माफी चाहता हूं। तो Xiaomi की तरफ से यहां पे खबर आ रही है, और हम सभी लोग वेट कर रहे हैं Xiaomi के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन का, और वो है Xiaomi का Mi 7, और एक स्पेशल एडिशन आएगा Mi 8 करके। अब यहां पे बताया जा रहा है कि Xiaomi का जो Mi 7 है ये इतने टाइम से जो डिले हो रहा था, उसका रीजन ये था कि Xiaomi इसके अंदर आप लोगों को 3D फेशियल रिकॉग्निशन का फीचर देने वाला है। अब यहां पे एक हार्डवेयर पिक्चर जो वो लीक होकर आ गई है, जहां पे बताया जा रहा है कि Xiaomi यहां पे iPhone 10 जैसा ट्रू डेप्थ कैमरे का जो वो एक मॉड्यूल बना रहा है, वैसे ही जिसके अंदर आप लोगों को IR इंफ्रारेड सेंसर, आपको डॉट प्रोजेक्टर, एंबिएंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर,
वर्कपीस वगैरह का आपको एक नॉच मिलेगा, उसमें सारे के सारे एम्ड होंगे और ये जो नॉच जो थोड़ा सा चौड़ा होगा जैसे कि आपको आईफोन 10 में देखने को मिला था। जो पिक्चर लीक होकर आई थी वो बता दे रहे कि मी 7 की है, इसलिए आपको थोड़ा सा चौड़ा नॉच मिलेगा क्योंकि आपको 3D फेशियल रिकॉग्निशन का फीचर इसमें मिलेगा। अब वो मी 7 में होगा, मी 8 में होगा ये तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हार्डवेयर यहाँ पे प्रूव कर रहा है कि हाँ Xiaomi यहाँ पे एक 3D फेशियल रिकॉग्निशन वाला फीचर हम सभी लोगों के लिए इस वाले फोन में लेके। और साथ में Xiaomi का एक अननोन स्मार्टफोन जो वो गीक बेंच पे लीक होकर आ गया है जिसका नाम है Xiaomi Stars करके कुछ नाम दिखाया जा रहा है अजीब सा, और इसके अंदर आप लोग को स्नैपड्रैगन का 625 वाला जो वो प्रोसेसर दिख रहा है। और अब मुझे इस पे ज्यादा कमेंट करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि गीक बेंच में ये Xiaomi के हमेशा से जो भी फोन आ रहे हैं या तो स्नैपड्रैगन के 625 या फिर स्नैपड्रैगन के 636, हालांकि 636 आता तो अच्छी बात है, 625 को पता नहीं इतना Xiaomi क्यों प्यार कर रहा है और दोनों में क्या अफेयर चल रहा है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये कुछ सीन है। और मुझे लगता है कि Redmi Y2 ही होगा शायद से जो अभी रिसेंटली इंडियन मार्केट में आने से पहले गीक बेंच पे आया। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला फोन कौन सा है, मुझे तो बिल्कुल भी जानने में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से कुछ खबरें आ रही है और यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करें तो इंडिया के अंदर 21 मई को बताया जा रहा है कि सैमसंग अपने ए सीरीज और जे सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। ए सीरीज के अंदर आप लोग को A6 और A6 प्लस मिलेंगे और जे में भी कुछ नई सीरीज है, सबके अंदर आप लोग को एक इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलेगा। और जो सैमसंग की जे सीरीज होगी वो 15,000 से 20,000 रुपए के आसपास प्राइस होगी जिसमें आपको एक्सिनोस का प्रोसेसर मिलेगा, और जो ए सीरीज होगी इसकी प्राइसिंग 20,000 से 25,000 रुपए के आसपास होगी। मुझे शायद से ये स्मार्टफोन आएगा, मुझे थोड़ी देर पहले भी इनसे बात हुई थी, तो देख लेंगे क्या है इस फोन में, जब आता तो आप लोगों को इसकी भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू दे देंगे। अगर प्राइसिंग अच्छी रहती है, प्रोसेसर ठीक रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों को पता है कि सैमसंग कितना हमेशा से मिड रेंज के फोन में जो वो बदनाम होता गया है। और यहाँ पे सैमसंग बताया जा रहा है कि अपना एक एंड्रॉइड गो वाला स्मार्टफोन बहुत जल्दी जो वो लॉन्च करेगा और स्पेशली सबसे पहले हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा, फिर जाएगा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह में, जहां पे सैमसंग के जो भी बजट फोन आए थे स्पेशली अगर आपको पता होगा कि टाइजन OS में आते थे, बहुत ही घटिया से फोन होते थे। अब सैमसंग ने पार्टनरशिप करी गूगल के साथ में, एंड्रॉइड गो वाले स्मार्टफोन लाएगा। अब इसकी प्राइसिंग हमें नहीं पता क्या होगी, लेकिन ये कुछ J2 कोर इसका नाम होगा, 5,000 रुपए के नीचे होगी, जैसे कि नोकिया 1 है जिसका भी मैं आप लोग को कल एक दो दिन में इसका भी एक वीडियो बना के अपनी एक्सपीरियंस दे दूंगा एंड्रॉइड गो के साथ में। हालांकि एंड्रॉइड गो काफी अच्छा है, मजा आ रही है यूज करने में, बिल्कुल भी लैग तो नहीं होता, अच्छी चीज गूगल ने दी है, लेकिन देखते हैं कि सैमसंग इसको कैसे लाता है, इसकी प्राइसिंग क्या रखता है, ये तो थोड़े दिनों में ही पता चलेगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैमसंग की जो एक्सिनोस की चिप है, सैमसंग काफी लार्जेस्ट कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रोसेसर बनाती है, उसमें से क्वालकॉम और मीडियाटेक तो आते हैं, नंबर 3 पे सैमसंग आता है, जहां पे सैमसंग की जो एक्सिनोस की चिप है, अब सैमसंग इसको और मैं कहता हूं उसकी रीच को और बढ़ा रहा है और दूसरी कंपनीज को यहाँ पे अप्रोच कर रहा है ताकि वो बोल रहा है कि अब मेरी चिप यूज करो अपने फोन के अंदर। अब मीजू तो ऑलरेडी यूज कर रहा है सैमसंग की चिप, थोड़े बहुत लेनोवो के फोन आए थे, अब ZTE को बोल रहा है क्योंकि ZTE को अमेरिका में बैन किया गया है 5 साल के लिए, तो वहां पे वो क्वालकॉम यूज नहीं कर सकता, तो सैमसंग बोलता है मेरी चिप लेके यूज कर ले और थोड़ा सा मजे कर ले। तो सैमसंग अपनी रीच बढ़ा रहा है और बहुत सारी कंपनीज को अप्रोच कर रहा है, अपने एक्सिनोस के चिप दे रहा है। भाई पुराने जो मिड रेंज के एक्सिनोस के चिप है उसमें मजा नहीं आता है, फ्लैगशिप वाले फोन्स में अगर डाले तो अलग बात है, एक्सिनोस के 98 वगैरह के जो चिप है वो काफी अच्छे हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे 98 नहीं 8895 समथिंग ऐसा कुछ होगा, पता नहीं। तो देख लेते हैं कि सैमसंग के ये कौन सी कंपनीज जो वो चिप यूज करती है, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। तो यूट्यूब की तरफ से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि यूट्यूब के अंदर सभी लोगों को यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड देखने को मिलेगा, और अगर आपको नहीं पता है तो गूगल के क्रोम में आपको इनकॉग्निटो मोड मिलता है, जी बोर्ड के अंदर भी आपको इनकॉग्निटो मोड मिलता है, इनकॉग्निटो मोड मिलता है। तो अब यहाँ पे यूट्यूब के अंदर अगर आपको नहीं पता तो पहले भी एक ऑप्शन था सेटिंग्स में, जब जाते तो हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में आप अपनी वॉच और सर्च हिस्ट्री को जो वो पॉज कर सकते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पे डेडिकेटेड एक ऑप्शन मिलेगा इनकॉग्निटो मोड का। एंड्रॉइड पुलिस द्वारा कुछ पिक्चर सामने आई है जहां पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर टैप करेंगे, उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा और फाइनली आप जो भी चीज करते रहेंगे वो यहाँ पे आपको ट्रैक नहीं करेगा जो आप यहाँ पे जो वो चीजें कर रहे हैं, फिर आप उसको एक टैप पे बाहर भी आ सकते हैं और फिर आप उसका दूसरा काम यहाँ पे अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, ये प्राइवेट ब्राउजिंग जैसा कुछ काम हो जाता है तो यूट्यूब में आएगा, लेकिन इसमें सब्सक्रिप्शन की जो हिस्ट्री होगी आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन के टैब में जाके तो वो नहीं दिखाएगा क्योंकि आप इनकॉग्निटो मोड में, तो ये कुछ काम कर रहा है यूट्यूब यहाँ पे। और आने वाले समय के अंदर आप लोग को यूट्यूब के एंड्रॉइड फिलहाल के लिए एंड्रॉइड की एप्लीकेशन में इनकॉग्निटो मोड वाला फीचर भी देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे एयरटेल की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है और मुझे पता नहीं अचानक से एयरटेल को यहाँ पे क्या हो गया, तो एयरटेल ने अब बोल दिया कि वो आपको अभी जो वो ट्रू अनलिमिटेड एक्सपीरियंस देगा, जहां पे अगर आप एयरटेल के 199 और उसके ऊपर की कोई भी रिचार्जेस करते हैं और आपकी डेटा लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है तो आपको एयरटेल चार्ज करता था। मैं यहाँ पे अनलिमिटेड पैक्स की बात कर रहा हूँ जहां पे आप लोग को 1-3 GB दिन की यूज करने मिलती थी, उसके बाद अगर आपने लिमिट एग्जॉस्ट कर दिया, मैं तो यूज नहीं करता तो आपको चार्ज होता होगा, तो एयरटेल ने कहा कि उसके बाद आपकी स्पीड जो वो रिड्यूस करके 128 KBPS की कर दी जाएगी, जैसे कि BSNL देता है और जियो भी देता था, लेकिन जियो ने 128 से 64 KBPS कर दी थी। तो ये कुछ एयरटेल ने यहाँ पे जो वो सीन किया और बोला कि ट्रू अनलिमिटेड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा।
आई डोंट नो व्हाट इज द कैच, सो प्लीज मुझे कुछ मत बोलना, एक बार ट्राई करके देख लिया, अगर होता है तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। तो आज की न्यूज यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता आपको आज की न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।